नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 2 चरणों में 23 करोड़ की लागत से लगभग पूरा हो चुका है। इस तालाब के परिसर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ ही फूड जोन भी यहां पर बनाया जा रहा है, जिसमें यहां आने वाले लोगों को सैर सपाटे के साथ ही लजीज छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी आनंद दिया जा सकेगा। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां पर बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा फाउंटेन के साथ आकर्षक झूला भी बनाया गया है। वहीं पूरे परिसर को लाइटिंग से रोशन किया गया है। सौंदर्यीकरण के बाद बड़े तालाब का पूरा परिसर अब महानगर का एहसास कराने लगा है। इस लेकर नगर पालिका परिषद कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितिन कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुम्हारी के बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में अभी बच्चों के लिए आकर्षक झूले, म्यूजिकल फाउंटेन्स, टॉय ट्रेन, आकर्षक बहुत गार्डनिंग अच्छे से की रखी है, आकर्षक फाउंटेन्स भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों के लिए आसपास, चाहे वो टाटीबंध का क्षेत्र हो, रायपुर से लगा हुआ, या फिर भिलाई दुर्ग से भी लगे हुए क्षेत्रों के लिए बहुत एक आकर्षक का केंद्र होगा ये, और अतिशीघ्र यही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक मिलेट कैफे का भी खोला जा रहा है, मिलेट कैफे भी खोला जा रहा है। इसके अलावा लोगों को स्थानीय चाट, गुपचुप और छत्तीसगढ़ी व्यंजन, सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद इनको स्टॉल में मिल सकेगा। यहाँ करीबन 10 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें स्थानीय व्यक्ति आके विभिन्न व्यंजनों का लाभ ले सकेंगे। वर्तमान में चूंकि हर किसी संस्था को संचालन के लिए आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ सोचना होता है, और इसके मेंटेनेंस में भी बहुत सार्थक सिद्ध भी होता है, और उसी को चरितार्थ करते हुए हमने नॉमिनल फीस रखने का भी प्रावधान रखा है। फीस की राशि अभी निर्धारित नहीं की गई। इसमें बच्चों के लिए आकर्षक टॉय ट्रेन का भी हमने प्रावधान रखा गया, जिसके लिए उनके अभिभावकों से नॉमिनल शुल्क ही लिया जाएगा। वर्तमान में इसके उसमें कुल 2 चरणों में इसके काम हुए हैं। प्रथम चरण में 8 करोड़ के कार्य इस पर किया गया, द्वितीय चरण में 15 करोड़ के कार्य किए गए हैं। वर्तमान द्वितीय चरण के कार्य समाप्ति की ओर हैं और अतिशीघ्र इसका हम लोकार्पण भी करेंगे। 4 लेन के ठीक किनारे स्थित इस परिसर की छटा शाम को बिजली की रोशनी से देखते ही बनती है। यह पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहरहाल पूरे शहर वासियों के लिए ये तालाब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।